अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मोहम्मद सुल्ला खान की तरफ से। आज शबे बारात की रात है और आज की रात जितनी ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं करें, अपने लिए दुख और गम जितने भी अल्लाह के सामने जो है पेश कीजिए। नमाज़ पढ़िए, कुरान पाक पढ़िए और विर्द करिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जितने भी गुनाह हैं वो बख्शे जाएंगे और आने वाले जो का पूरा साल का जो कैलेंडर लिखा जा रहा है आज, इसमें जो है वो बेहतरी होगी और इजाफा होगा और आपका बचाव हो मुमकिन होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है हमारी आप सबके लिए और पूरी दुनिया के लिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्शे, हमारे आने वाली ज़िंदगी में जो हमारे मसाइल हैं उन्हें हल करे, हमारे जितने भी बूढ़े जो दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी जान को जन्नत फिरदौस में जगा दे, और जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलात हल करे, और हम जो जिंदा हैं हमारे जो ज़िंदगी की मुश्किलात, हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं और जो जो हम जानते हैं जो नहीं जानते, अल्लाह ताला उसको अपने वसीले से जो डेस्टिनी लिख रहा है अल्लाह ताला आज एक साल की अगले साल के लिए, क्योंकि आज 15 जो है शाबान है और अगले 15 शाबान तक जो है हमारा जो है ये पूरा कैलेंडर लिखा जा रहा है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के और पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई हालात हैं, ख़राब हैं, कोई इकोनॉमिकल हैं, कोई साइकोलॉजिकल हैं, पोलिटिकल हैं, जो रिलीजियस हैं, जो भी किस्म के हैं, वो हल हो जाएँ और अल्लाह ताला लड़ाई से बचाए, मुश्किलात से बचाए, और अल्लाह ताला हमें यूनिटी दे, इकट्ठे होने का ताकत दे। एक अकेले के लिए कुछ नहीं होती, इकट्ठे मिलके जो सारी उन्हें मिलके एक मुट्ठी बनते और इस ताकत को समझने की जो है तौफीक दे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे हमारा हामी नासिर हो, हम पे रहम करे और हमारे हम गुनाहगार लोग हैं अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्शे, हमसे हर वक्त गुनाह होते हैं अल्लाह ताला उन पे हमें एक्सक्यूज़ कर दे, और हमारे जो 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 हम नेक अमल करने की कोशिश करते हैं उसे उसे उसको कबूल करे और हमें हमारे गुनाहों को उसके ऊपर जो है उसे गुनाहों से बचा ले और हमारी नेकियों पे हावी कर दे, नेकियों को हम नेकियों को हमारे गुनाहों पे हावी कर दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको हिम्मत से ताकत, तो हम सबको आज नमाज़ पढ़नी, इबादत करनी, कुरान पाक पढ़ना और हमेशा अल्लाह की ही इबादत करनी, चूँकि इसके सिवा कोई चारा नहीं सक्सेस का। तो फी अमान अल्लाह, बस यही मेरी दुआ है, मुझे दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।